और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मां की। तो जिस तरीके से विक्रम और बेताल की कहानी में विक्रम की पीठ के ऊपर बेताल चिपक कर बैठ जाता था और दूर होने का नाम नहीं लेता था, सैम टू सैम बॉलीवुड की पीठ के ऊपर भी एक बेताल चिपक कर बैठ गया है और जो हटने का नाम नहीं लेता है उसका नाम है रीमेक। मतलब कि बॉलीवुड ने फिर एक और रीमेक फेंक कर मारा है अपने वही पुराने अंदाज में विक्रम बेधा का, जिसका कि फाइनली टीजर रिलीज हो चुका है। ओरिजिनल विक्रम बेधा जो कि 2018 में आई थी, जिसमें कि आर्य माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में थे। सैम टू सैम इस मूवी में भी विजय सेतुपति मतलब कि बेधा के रोल में ऋतिक रोशन होने वाले हैं और आर्य माधवन मतलब कि विक्रम के रोल में सैफ अली खान होने वाले हैं। एंड इस मूवी के टीजर को तुम जितना देखोगे तुम उतना ही ऋतिक की परफॉर्मेंस को देखकर इम्प्रेस हो जाओगे, क्योंकि बेधा के कैरेक्टर में ऋतिक रोशन के जो फेस एक्सप्रेशन है इविल और गुडनेस वाले वो दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। मतलब कि ऋतिक का ये वाला लुक प्रॉपर गूज़बम्प लाने के लिए सक्षम है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को छोड़कर एक थोड़ा सा डिफरेंट डार्क नेगेटिव रोल प्ले किया है इस मूवी में। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं ताज्जुब भी होगा। अब टीजर में जहां बेधा को भर भर के डायलॉग दिए हैं तो वहीं तैमूर के पापा को बिना डायलॉग दिए ही पूरा टीजर काट दिया। मतलब कि एक डायलॉग तो बनता था ना, अगर तैमूर की मम्मी ने ये देख लिया ना तो वो डायलॉग राइटर को ये बोलेगी, यू बास्टर्ड, तेरे पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी मां की। खैर ये टीजर था, ट्रेलर आना बाकी है तो कूल डाउन हो जाए, ट्रेलर आना अभी बाकी है तो हो सकता है कि टीजर में नहीं तो ट्रेलर में उनका कुछ हो डायलॉग्स। एंड टीजर में राधिका आप्टे एंड रोहित सराफ भी हैं जो काफी टैलेंटेड और एक अच्छे एक्टर हैं। अब इस टीजर में ऋतिक और सैफ का एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिल रहा है। मतलब कि अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ये कहानी में तो दोनों बुरे हैं। और मूवी की कहानी इविल और गुडनेस के बीच घूमने वाली है, जिसमें कि विक्रम बेधा को पकड़ लेता है और फिर कैसे बेधा विक्रम को कहानियां सुनाकर उसको अपने जाल में फंसाता है और फिर अपने काम को निकलवाता है। अब टीजर में स्टोरी को इतना रिवील नहीं किया है जो कि एक अच्छी बात है, काफी अच्छा सस्पेंस क्रिएट किया है टीजर में। अभी एक एक्शन पैक्ड डार्क इंटेंस और थ्रिलर फिल्म है एंड इसके सिनेमेटिक शॉट्स काफी अच्छे लग रहे हैं और इसका बीजीएम काफी ज्यादा अच्छा है, जबरदस्त है। मतलब कि फिल्म मेकर्स ने इस पर अच्छा खासा पैसा फूंका है। मतलब कि एक और जहां ओरिजिनल विक्रम बेधा मूवी का बजट 110 सीआर था, इसका बजट 175 सीआर है। मतलब कि ऋतिक की पिछली वाली मूवी बोर से भी ज्यादा बजट में बन रही है ये वाली मूवी। तो अब मैं तुमको बता दूं कि जो ओरिजिनल मूवी है विक्रम बेधा और जो रीमेक बन रही है, इन दोनों के जो डायरेक्टर हैं वो सेम है, पुष्कर और गायत्री। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार कहानी को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न से भर दिया हो और थोड़ा अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई पिछली वाली मूवी से। मतलब कि फ्रेम बाय फ्रेम एक एक सीन को कॉपी नहीं किया गया होगा ओरिजिनल मूवी से, जैसा कि हर रीमेक बॉलीवुड मूवीज में होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टीजर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल और सैफ और ऋतिक काफी सही लग रहे हैं स्क्रीन पर। और एक डार्क थ्रिलर स्टोरी है विक्रम और बेधा की, जिसमें कि दोनों की बैक स्टोरी चल रही होती है, जिसमें कि दोनों कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट डालती है और हम इससे कितना कनेक्ट हो पाते हैं, नहीं तो पता चले इसका भी हाल शमशेरा जैसा हो जाए, दिखाना कुछ और चाहिए था दिखा कुछ और दिया। वेल अगर तुमने ओरिजिनल वाली विक्रम बेधा देख रखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमको वो वाली कैसे लगी और इस रीमेक वर्जन का टीजर तुमको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।